Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you guys are doing really great. So I am back with a new video topic, that is skin care routine. जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी स्किन केयर रूटीन जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ इन मानसूनस के इन समर्स के दिनों में. इसमें आपकी जो स्किन है बहुत हाईली प्रोन हो जाती है एक्ने से. आपके जो ब्रेकआउट हैं, स्किन के ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो आप इस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हो और कैसे अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हो, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगी. तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी मच ऑफ योर टाइम, लेट्स बिगिन टू द वीडियो. तो गाइज, सबसे पहले हम करने वाले हैं अपना फेस वॉश. मैं बिल्कुल बेयर फेस्ड हूँ तो अभी मैं अपना कर लूँगी फेस वॉश. फेस वॉश के लिए आई एम यूजिंग गुड वाइब्स कॉफ़ी फेस वॉश. ये फेस वॉश मैं यूज़ करने वाली हूँ आज. तो गाइज, थोड़ा सा ले लें आप अपने हाथ पे, पाम पे. दिस मच अमाउंट इज आई एम यूजिंग. तो गाइज, अच्छे से अपना फेस जो है इसे वॉश कर लें आप. एटलीस्ट एक मिनट के लिए आपको अपने फेस को जेंटली मसाज करना है फेस वॉश के साथ. अच्छे से जो भी डर्ट वगैरह हो, जो भी आपने अगर मेकअप के बाद आप क्लेंज कर रहे हो अपना फेस, तो आपका जो मेकअप है वो भी निकल जाए. तो गाइस, अच्छे से जेंटली मैं मसाज करूँगी. तो गाइस, आफ्टर फेस वॉश मैं अपने स्किन को करने वाली, अपने फेस को करने वाली हूँ स्क्रब. स्क्रब के लिए आई एम यूजिंग एल्प गुडनेस का रोज़ फेस स्क्रब. ये मैं आपको पहले भी अपनी वीडियो में शो कर चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं. तो मैं ये यूज़ करूँगी आज स्क्रब करने के लिए. तो गाइस, स्क्रब करने के लिए आपको कुछ अमाउंट जो है अपनी स्किन पे ले लेना है, अपने फेस पे ले लेना है. इसको अच्छे से अपनी फिंगर टिप्स के साथ आपको बिल्कुल जेंटली, ज़्यादा प्रेशर ना देते हुए अपने फेस को स्क्रब कर लेना है. अपनी नेक को बिल्कुल भी ना भूलें आप, उसको भी अच्छे से स्क्रब कर लें. गाइस, ये आपको मसाज करना है 1 to 2 मिनट. उससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगी क्योंकि उससे ज़्यादा स्किन फिर ज़्यादा प्रेशर, जब आपकी स्किन पे ज़्यादा प्रेशर आएगा तो रेडनेस वगैरह के चांसेस हो सकते हैं. इसके लिए मैं 1 to 2 मिनट ही उसको अच्छे से मसाज कर लूँगी अपने टी जोन एरिया पे. तो गाइस, ये जो स्टेप है स्क्रबिंग का, ये आपको रोज़ नहीं करना है. स्क्रबिंग आप वीक में 2 to 3 times कर सकते हो, 3 times मैक्सिमम. गाइस, आफ्टर स्क्रबिंग, स्क्रब होने के बाद मैं अपने फेस पे जो है फेस मास्क अप्लाई करूँगी विद अ ब्रश. इस ब्रश का मैं यूज़ कर रही हूँ. आप चाहे तो अपनी फिंगर टिप्स का भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी फिंगर्स का यूज़ कर सकते हैं मास्क को अप्लाई करने के लिए. तो मैं यहाँ कर लूँगी फेस मास्क अप्लाई. बाय द वे गाइस, ये फेस मास्क जो है वो है गुड वाइब्स की तरफ से ग्लो फेस मास्क पपाया रेंज से है ये गुड वाइब्स पपाया ग्लो फेस मास्क. गाइस, 2 times जो है स्क्रबिंग आप वीक में कर सकते हो. आप इस स्टेप को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप वीक में 2 to 3 times तो मैक्सिमम हो जाता है, बट आप 1 to 2 times ये आप स्टेप फॉलो कर सकते हो स्क्रबिंग का. अच्छे से स्क्रब करने के बाद आपको करना है अपना फेस वाइप. फेस वाइप करने के बाद हम अप्लाई करेंगे फेस मास्क जो कि है हमारा स्टेप 3. तो गाइस, आफ्टर स्क्रबिंग मैं अपने फेस पे यूज़ कर रही हूँ फेस मास्क जो कि है स्टेप 3. तो आई एम यूजिंग दिस पपाया, गुड वाइब्स का पपाया फेस मास्क. ये ग्लो फेस मास्क है, मैं इसको यूज़ कर लूँगी अपनी स्किन पे विद द हेल्प ऑफ ब्रश. आप चाहे तो अपने हैंड्स का भी यूज़ करते हैं, अपनी फिंगर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसको ब्रश के हेल्प से यूज कर रही हूँ. अच्छे से आपको अपनी स्किन पे लगा लेना है.
बिल्कुल आइज़ के नीचे नहीं लगाना है, थोड़ा सा इसमें स्पेस मेंटेन करके रखिएगा। तो गाइस फेस मास्क मैं अप्लाई कर चुकी हूँ, अब मैं इसको रखूँगी 15 मिनट्स के लिए, जब तक ये थोड़ा सूख नहीं जाता तब तक मैं इसको अपनी स्किन पे रखूँगी। गाइस ये भी स्टेप जो है, स्टेप नंबर जो 3 है मेरा फेस मास्क का स्टेप, वो भी आप वीक में 2-3 टाइम्स कर सकते हैं। रोज़ रोज़ हमें ये स्टेप फॉलो नहीं करना, हमें 2-3 टाइम्स ये स्टेप जो है वो फॉलो करना। गाइस आफ्टर स्टेप नंबर 3 द स्टेप नंबर 4 इज़ ऑफ टोनिंग। हम अपने फेस को टोन करने के लिए एक टोनर का यूज़ करेंगे। मैं आज यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का ग्रीन टी ग्लो टोनर। तो गाइस इसको थोड़ा सा अपने फेस पे इसको थोड़ा सूखने के लिए रख देंगे, थोड़ा जब तक ड्राई हो जाता है हमारा फेस तब तक इसको हम रखेंगे। तो गाइज आफ्टर टोनिंग आई एम यूजिंग अ मॉइस्चराइजर टू मॉइस्चराइज माई फेस। तो मैं यूज़ कर रही हूँ पोन्स लाइट मॉइस्चराइजर नॉन ऑयली फ्रेश फील। ये काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर है गर्मियों के दिनों में, गर्मियों और रेनी डेज जो होते हैं उसमें ये काफ़ी हेल्प करता है। गाइज ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं करता आपकी स्किन को, काफ़ी अच्छे से इसको मॉइस्चराइज करता है। तो मैं कुछ अमाउंट अपने फेस पे ले लूँगी और इसको अच्छे से मॉइस्चराइज करूँ। सो गाइज नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है मॉइस्चराइजर के बाद, हम यूज़ करेंगे एक सनस्क्रीन। जो आपने पहले स्टेप देखे वो सारे स्टेप्स आप रात में नाइट टाइम रूटीन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, वो सारे के सारे स्टेप्स सेम रहेंगे। आप सिर्फ एक जो सनस्क्रीन है वो डे टाइम पे यूज़ करेंगे। तो मैं यूज़ कर रही हूँ सनस्क्रीन, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है सनस्क्रीन का। तो आई एम यूजिंग ब्लॉसम कोचर एरोमा मैजिक एलोवेरा सनस्क्रीन। गाइस मुझे जो है जेल प्रोडक्ट्स, जो जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वो मॉनसूनस के दिनों में जब आपकी बारिश वगैरह होती है या गर्मियाँ होती हैं तो मुझे ज़्यादा जेल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करना अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब होते हैं आपकी स्किन पे, आपकी स्किन को स्टिकी नहीं बनाते। तो इसलिए मैं आज जो है एक जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। तो थोड़ा सा ले लें और इसको अच्छे से फेस पे, इतनी अमाउंट ली थी। सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस, सनस्क्रीन आपके स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है यूवी रेस से, जो कि बहुत हार्मफुल होती है हमारी स्किन के लिए। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है एक लिप बाम का। उसके बाद आपने लिप को मॉइस्चराइज करने के लिए, लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए आप एक अच्छा सा लिप बाम यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का लिप बाम। तो गाइज इसको अच्छे से अप्लाई कर लें अपनी लिप्स पे। एंड दैट्स इट गाइज, ये था मेरा स्किन केयर रूटीन जो कि आप भी फॉलो कर सकते हैं। ये स्किन केयर रूटीन में मैं जो फेस पैक है और जो स्क्रब है वो वीक में 2-3 टाइम्स करना प्रेफर करती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और हाँ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा आप किस तरीके की वीडियोस और देखना पसंद करेंगे। गाइज मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये मेरा हैंडल है। अगर आप डेली अपडेट्स जानना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मैं पोस्ट करती रहती हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। गाइज टिल द नेक्स्ट टाइम आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। बाय बाय।